एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इजी फ्लोरल डिज़ाइन करने वाले हैं बिगनर्स के लिए। तो ये डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर लिए। अभी सबसे पहले आप फ्लावर्स के लिए आउटलाइन करेंगे। तो ऐसे सेम 5 लाइंस आपको स्टिच करना है। फिर मैंने डबल फ्लॉस लिया है और डबल फ्लॉस से हम ये रोज को वीव करेंगे। सो जस्ट एक लाइन आपको स्किप करना है और दूसरे स्टिच के नीचे से आपको नीडल को अंदर डालना है। देखो, मैंने आगे वाला लाइन स्किप किया और उसके आगे वाले लाइन के अंदर मैंने नीडल को फिर से अंदर डाला। सो जस्ट एक लाइन स्किप करना है और दूसरे लाइन के नीचे आपको नीडल को अंदर डालना है। ऐसे पूरा सेम वे में आपको फ्लावर को वीव कर लेना है। अच्छे से स्लोली बराबर से आपको फ्लावर बनाना है और फिर फ्लावर रेडी होने के बाद आपको नीडल को फैब्रिक के अंदर फिर से अंदर डाल देना है। ऐसे फाइव लाइन ड्रॉ किए बराबर से और डबल फ्लॉस बनाया इसके बाद, और फिर एक लाइन स्किप करके आपको ऐसे फ्लावर को पूरा वीव कर लेना है। से ऐसे फ्लावर को वीव करना है पूरा एंड तक। जब तक आपको ये 5 लाइंस दिख रहे हैं तब तक आपको ये फ्लावर को पूरा एंड तक वीव करना है। ये हमारा वोवन रोज अभी रेडी है। नीडल को मैंने अंदर डाल दिया। अभी ये जो लाइंस है उसके लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है और जो सिंपल मैं बैक स्टिच, नॉर्मल स्टिच, स्ट्रेट स्टिच करके ये स्टेम वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करूंगी। ये देखो, अभी लीफ के लिए मैंने पूरा एक फ्लॉस लिया है और ये फिश बोन स्टिच कर रही हूँ मैं। थोड़ा नीचे नीचे से नीडल निकालना है और सेंटर में नीचे अंदर डालते जाना है। ये देखो, थोड़ा सा नीचे से नीडल निकाला और फिर नीचे अंदर डाला। इसे अच्छे से लीफ को आपको शेप देना है। वैसे ही सारे लीव्स आपको कर लेने हैं। पार्ट रेडी है। अभी मैं व्हाइट कलर के 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं और मैं छोटा सा फ्रेंच नॉट बनाऊंगी यहाँ पे। सो देखो, नीडल को 1 टाइम थ्रेड पे रोटेट किया और फिर थ्रेड को अंदर डाल दिया। देखो, नीडल को मैंने बाहर निकाला और फिर मैंने थ्रेड को नीडल पे 1 टाइम रोटेट किया और फिर से नीडल को मैंने अंदर डाल दिया। ये हमारा फ्रेंच नॉट ऐसे रेडी है। ये आपको फ्रेंच नॉट ऐसे बना लेते हैं। देखो कितना इजी था ये हमारा फ्लोरल डिजाइन। तो आप भी ऐसे फ्लोरल डिजाइन अभी बना सकते हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.